शिवपुरी जिले की पिछौर विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट की अंतिम सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी भी मौजूद रहे। वहीं कोर्ट द्वारा बरी किए जाने पर प्रीतम लोधी ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था, ये विश्वास था कि देर होगी पर अंधेर नहीं होगा, इसलिए न्यायपालिका सबसे ऊपर है। भाजपा विधायक ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार ने उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे, ऐसे में उन्हें न्यायालय पर भरोसा था कि निर्णय उनके ही पक्ष में होगा और न्यायालय ने निर्णय भी जारी कर दिया है। जब जब कांग्रेसी नेता ग्रहण ने मेरे पर केस लगाए हैं, लेकिन न्यायालय ने मुझे बिल्कुल बारीकी से जांच कर और न्याय दिलवाया है। मेरे केस अब पूरे यहीं आ गए हैं अपने ग्वालियर एमएलए कोर्ट में, तो यहाँ पर आज मुझे एक केस में बरी किया है। तो कांग्रेस ने ऐसे समय पर लगाया कि जिस समय मैं शाम को 8 बजे आ रहा हूँ, सवेरे 8 बजे केस लगा दिया मुझ पर और झूठा केस लगाया। लेकिन हम न्यायालय को भगवान मानते हैं और न्यायालय वास्तव में एक एक लाइन एक एक चीज़ को देखकर जो आज निर्णय दिया है वो निर्णय स्वागत करने के योग्य है और हम तो न्यायालय पर भरोसा करते हैं। शिवपुरी जिले के खनिया थाना पिछौर विधानसभा है, वहाँ खनिया थाना थाने में एक 353 332 186 294 506 का मुकदमा दर्ज हुआ था 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में माननीय विधायक जी को दोष मुक्त करार दिया है और 3 लोगों को 1-1 साल का कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ये शासकीय कार्य में बाधा का मामला था, तो जिसको अभियोजन अपनी कहानी को सिद्ध नहीं कर पाया, जिससे के अभाव में माननीय विधायक जी को दोष मुक्त किया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी पर 6 जून 2018 को शिवपुरी जिले के खनिया थाना थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। 2018 में कांग्रेस की सरकार के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा और सौंदर्यीकरण को लेकर ज्ञापन देने के दौरान तहसीलदार से विवाद करने का उन पर आरोप लगा था, जिसकी शिकायत खनिया थाना थाने में दर्ज कराई गई थी। तब से इस मामले की सुनवाई स्थानीय शिवपुरी जिले की कोर्ट में चल रही थी। प्रीतम लोधी वर्तमान में शिवपुरी जिले की पिछौर विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं। ऐसे में स्थानीय कोर्ट से मामले को सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर ग्वालियर जिला न्यायालय स्थित एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में भेजा गया था। सोमवार को प्रीतम लोधी कोर्ट में पेश हुए और न्यायमूर्ति के सामने अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अपना फैसला सुनाते हुए विधायक प्रीतम लोधी को दोष मुक्त किया है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।